तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये जो मैच रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान वाला सर्वर का, इसमें गाइस पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स आई हुई थी। तो गाइस हमारे पास कुछ चांस ही नहीं था, ना कुछ मतलब गाइस ना गन स्किन था, ना करेक्टर स्किल था, और गाइस ग्लू ऑल भी नहीं था गाइस। तो कितना अच्छा मैच गया गाइस, आप देख लीजिएगा हमारा स्ट्रेटजीज, वो देखिएगा गाइस मैच में। हम लोग तो गाइस खेलने वाला मैच रिकॉर्डेड मैच है, तो गाइस आप देख लीजिएगा कैसा था, क्या सीन था, है ना गाइस। बहुत ही मज़ा आया मैच खेल के। और गाइस हम लोग के पास देखना जोन नहीं था, तो हमने कैसे जोन पकड़ा आखिरी आखिरी में गाइस, और कैसे फाइट लिया, क्या किया, कब फाइट लेते हम लोग, कब हम लोग रुकते। तो गाइस मैच पे देखते रहिएगा, बनिए मैच पे, लव यू गाइस। और गाइस मैच कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और गाइस अगर आप गाइस नए हो चैनल पे तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि हम स्पोर्ट प्लेयर और ऐसे ही नए मैचेस लाते रहेंगे, न्यू मैचेस। तो गाइस बाय, मैच का मजा लीजिए। अ लॉट मोर लाइक अ प्लेस फॉर अ रश थिंग यू वुड से, एंड फॉर टीम 4 दे आर गोइंग टू काटुलस्तवा, मे बी दे आर गोइंग टू यूज लॉन्च टू रीच टू ग्रेवयार्ड फास्टर। एंड हाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट एचओबी नंबर 2 team, they are going to shipyard, and there is team Pakhtun. Yeah, I guess Pakhtun bhai, I can say Pashto bhai, they would understand I'm talking about them, so it's easy for me to say okay these are Pashtun bhai. So let's talk about House of Blood again. So they are it, I think shipyard is the place where no one has been landed till yet, whereas for team TG wanted PKs, they are in Bima, they are enjoying their loot by the way over there. To be honest, Bima ek aisi wahid jagah hai where people like to rush and you will find a good loot there, and that's the challenging for them, that's a challenging part for them to find. So we are there is CG Evolution over here, I guess. Yeah, they are enjoying their loot on Cape Town, which is I guess it's a very quite good place. What do you think, Salu? Yeah, aapko Cape Town kaisa lagta hai? I think personally jo mera khayal hai Cape Town ka, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, इफ यहाँ पे बैटल होती है यू हैव अ चांस टू हैव अ कवर, लाइक बिल्डिंग्स बहुत हैं बट अ मिनिमल लूट आई वुड से दैट, बट स्टिल इट्स अ गुड प्लेस फॉर अ फाइट एंड फॉर अ हाइड आउट टू एंड फॉर अ कैंपिंग एज वेल, व्हाट वी से इन अ गेमिंग लैंग्वेज। एंड पकिंग बाय एंजॉयिंग आल्सो देयर। ओके नाउ टीम नंबर 1 एंड 5 मे बी दे कैन गेट इनटू अ बैटल बिकॉज़ दे आर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन P71, दे आर एट ग्रेवयार्ड। And other team, I would like to say team number 6 jo hai wo observatory pe hai, maybe yeah they're one of the team has been there, and that's number BD71 Stark. Yes, now rest of the team, their gun would be woodpecker because it give a quite good damage. I think they are the best choices for them to use right now, and look at the fight over here going on, which is quite amazing to watch. Yeah, grenade, this cook grenade, I would say it's a tremendous good update given by Garena. You just have to wait, and you cannot even camp in a house the way they are fighting with each other. Team number 3, oh, it's amazing. It's not they've already taken that one team down and it's eliminated. Team number 8 has been eliminated, and you guys have played really amazing. लेकर आते हैं मामला, मुलाकात देखते हैं। टीम नंबर 8 जो है वो हमारी पोचिनो की तरफ अवेलेबल है, और मामला तोड़ सकते हैं इनके किसी के साथ, लेकिन नहीं हो सकते पोचिनो का, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का। और मेरे ख्याल से यहां पे इनके पास आ रहा है डैमेज देख लेते हैं हमारे पास किसके पास आ रहा है। टीम नंबर 3 और टीम नंबर 2 भी बिल्कुल सुकून में, और मामला हो सकते हैं टीम नंबर 3 की तरफ चलते हुए। टीम नंबर 3 टीम नंबर 2 के साथ मामला कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल एवोल्यूशन दे आर लाइक दे आर बीइंग, टू बी ऑनेस्ट दे आर बीइंग स्टैटिक, दे आर बीइंग पेशेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट इनटू अ बैटल विद द प्लेयर्स दे आर गोइंग टू सी, दे आर इन द जोन। जी बिल्कुल। And other than that, rest of the team, you know, all the teams have to be honest, they are like being, they didn't loot that much, like they, some players still do have level 1 bag, they are being patient because they want to make a right move at the right time. So they, maybe they, and to be honest, right till now, as the map, the zone is about to get start for the second zone, what they are doing, they are holding the position. So as the shrink started, there's going to be a real battle going on. Then we would see some excitement and challenging things too. And we would, and team number 1, they are fighting with each other at the edge of this, what we say, the above mountain of factory, and the other side of the factory, what they are doing, they are holding the position very well behind a stone, and that a big house which we usually say bada green jo ghar hai na wahan pe nazar rakhe, exactly. So that's what they are doing. So exactly, zama zara urdu pe bhi focus karo, pakistani bahut zyada hai. Yeah, exactly, I'm going to focus on urdu too, but I'm sorry, main ab urdu pe bhi baat karti hu taki aap sabko samajh bhi aaye, and I guess I can bet on it that people know what I'm speaking, it just they want to like tease the casting people, and which is good, they have a right to do that. So I'm gonna go back, switch my language to Urdu. So what abhi jo hum dekh rahe hain, team number 5, they are running towards wo
वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं टू फाइंड अ कवर. दे आर स्टिल, उनके चारों मेंबर जिंदा हैं. सो व्हाट दे वांट टू डू इज वांट टू स्टे ऑन अ, लेट्स गेट बैक टू द जोन. हियर द टीम इज, द वन मेंबर ऑफ टीम नंबर 7 इज नो लॉन्गर देयर. इट्स गॉन बाय टीम नंबर 8 हैव किल्ड दैट प्लेयर. उनको खत्म कर दिया है. सो लेट्स, what they are doing, they have a good advantage. उनके पास जो अच्छा advantage है वो mountain का है, which is really amazing. तो आपको जब ऐसा position आती है जहाँ पे आप team देखो, they have a very upper hand, being on a mountain, on a high ground. So what you have to do, you have to like save your head, अपना हर सर बचा के रखें, कहीं headshot ना पड़ जाए, like what happened with team number 5 right now. And team number 2 जो है अपना जो ground है बहुत अच्छी तरह से hold किया हुआ है. Watch tower, you know, these watch tower मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होते हैं. Why? Because it's like a mid zone. कमिंग जो एनिमीज क्लॉक टावर से आते हैं, जो पीक से आते हैं या बीमा की तरफ से आते हैं, एंड यू आर होल्डिंग द वेरी गुड पोजीशन ओवर देयर, सो व्हिच इज अमेजिंग. लेट्स हैव अ 360 व्यू ओवर हियर. सो यहाँ पे जो टीम्स हैं, टीम नंबर 3 दे आर होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन बीमा के ऊपर, जो एल हाउस है वहाँ पे, एंड स्टिल टीम नंबर 1 का जो वन प्लेयर है, ही इज आउट ऑफ द जोन व्हिच हैज बीन नॉक्ड. दे आर सर्वाइविंग, वो अपने आप को सर्वाइव करना चाह रहे हैं. नाउ वी हैव अ न्यू लीडर, के लीडर दैट इज हाउस ऑफ ब्लड, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड की हुई है. व्हाट नाउ happening right now, team number 7. जी 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 शाबी भाई, अभी पता है कितने मैचेस रहते हैं, थोड़ी एनर्जी रोको. नहीं, आई एम वेरी प्रीटी गुड, यू नो, आई एम वेरी प्रीटी गुड एनर्जी, बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू टॉक, लड़कियां तो वैसे ही भी बहुत मशहूर होती हैं कि वो बहुत ज्यादा बात करती हैं. क्या बात है, बेहतरीन हो गया, क्या कंटेंट लेवल है, क्या बात है, मामलाते मुलाकात जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं. और देखिए अभी टाइम है, वो चाय का टाइम है, शाम का है, तो बस बात भी होती रहेगी, इस तरह कास्टिंग भी होती रहेगी, चाय भी पीते रहेंगे, और सलू भी तो बात करेंगे ना बीच में. चलिए सलू भाई, बिल्कुल बिल्कुल. यहां पे टीम नंबर 5 जो है, यहां पे एक बंदा डाउन हो चुका है. टीम नंबर 2 यहां पे जो है लीडर बनी है, वो है हाउस ऑफ ब्लड, और बहुत ही तगड़ा गेम प्ले रखती है. पाकिस्तान एफएफसीएस के फाइनल एशिया में इन्होंने पाकिस्तान को किया था रॉबिन जेड, और यहां पे एक और बंदा भी डाउन कर दिया गया है. टीम नंबर 5 का टीम वायरस भी एलिमिनेट हो चुकी है, जो कि टीम नंबर 4 हाउस ऑफ ब्लड ऑन फायर हो चुकी है. हाउस ऑफ ब्लड किल पे किल कर रहे हैं, और टावर का बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है वो सहारा लिया हुआ है और आसरा लिया हुआ है, और बहुत ही अच्छे अच्छे किल मिल रहे हैं. टीम नंबर 5 का एक ही बंदा रह चुका है. मेरा ख्याल है टीम नंबर 5 के मामला जो है वो यहां पे खराब हो सकते हैं, और यहां पे भी टीम नंबर 5 एलिमिनेट हो चुकी है, एक और टीम एलिमिनेट हो चुकी है. टीम नंबर 7 अब जो टीम बची है वो 4 टीमें बची है. ठीक है टीम, एंड स्टिल And still, जो टीम नंबर 2 है उनकी, उनको वॉच टावर से इतनी अच्छी पोजीशन मिली हुई कि दे आर स्टिल इन द जोन, वो अभी तक जोन के अंदर हैं. सो द बैटल इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट जोन, व्हिच इज या नाउ दे हैव टू कम. ये वो नहीं होता बिल्ली को अपने बिन से निकलना है, देन फिर देखते हैं क्या होता है. सो नाउ सारे कॉर्नर्स अगर आप देखें सलू, तो सारे फील्ड है. सो उन कोई भी अभी जोन के अंदर नहीं है, तो रियल फाइट अब स्टार्ट होगी, बिकॉज अब वो जोन में जाना है. इट्स अ वेरी वेरी कंसाइज जोन, अब उनको वो कैसे डील करना है. एंड दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ ब्लू बॉल एज वेल, so what they have to do, ये अब पता चलेगा. बाकी जो टीम आप देख रहे हैं, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 2, या अब वो पूरी कोशिश में कि हम जोन सबसे पहले कवर करें, ताकि हम अपने प्लेयर्स को, अपना जो चारों के चारों प्लेयर्स हैं, वो चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव रह सकें. बिल्कुल, टीम नंबर 2 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और किलेटर अभी बनी हुई है, लेकिन टीम नंबर 2 हाउस ऑफ ब्लड का एक बंदा कवा लिया. यहाँ पे टीम नंबर 8 जो है वो सामने की तरफ अवेलेबल है, और टीम नंबर 7 का भी एक बंदा डाउन हो चुका है. टीम नंबर 3 का भी यहाँ पे, टीम नंबर टी जी वॉन्टेड स्पीक है, हमारे दरमियान दे रही है, मामलाते मुलाकात इनकी भी खत्म हो चुकी है, अब हमारी जिंदगी में दे रही है. टीम नंबर 8 ने भी यहाँ पे एक और टीम को एलिमिनेट कर दिया, दो टीमें रह चुकी है. हाउस ऑफ ब्लड क्या ये पूरा कर पाएगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउन हो चुका है. बिल्कुल, यहाँ पे एक और बंदा भी इनका भी डाउन हो चुका है. यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लड का एक बंदा रह चुका है, क्या मामला होंगे, बहुत ही आला है. M79 बहुत ही आला, लेकिन अब बाती भाई को यहाँ पे और एलिमिनेट कर दिया गया है. Team number 1 जो है वो हमारी 7 किल के साथ, 2 जो है हाउस ऑफ ब्लड 11 किल के साथ, मेरा ख्याल है सेकंड पे आने के बाद भी इनका जो है वो इनका स्कोर सबसे ज्यादा है. बिल्कुल.